बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। पदाधिकारी उन्होंने भाग लिया है। आज एक प्रस्ताव पास किया है उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 मंडलों में एक भगवा यात्रा, तिरंगा यात्रा के साथ साथ भगवा यात्रा, भगवा तिरंगा साथ साथ उत्तर प्रदेश के 75 जिले में चलेगी। 2 से 3 महीने के अंदर इस यात्रा का जो समापन होगा वो लखनऊ के अंदर किया जाएगा। शुरुआत कानपुर से इस यात्रा की जाएगी। उसकी तैयारी के लिए कर्णी सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। 75 के 75 जिलों में कर्णी सेना का गठन, जिला स्तर पर किसान शक्ति, युवा शक्ति, महिला शक्ति, व्यापार शक्ति के पदाधिकारियों का गठन जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर हो, उसके लिए एक रणनीति तैयार की जा रही है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया और कई लोग अभी तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पर मुनव्वर राणा को तुरंत जेल में डालना चाहिए। शफीकुर रहमान जैसे व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश के अंदर खुला घूमने की आवश्यकता नहीं है, इनको भी जेल में डालना चाहिए। जो तालिबान आज काबुल के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है, जहां पर रोते बच्चे, बिलखते हुए बच्चों की चीख इनको सुनाई नहीं दे रही, आज पूरा विश्व स्तब्ध है कि ये कैसे क्या क्या हो गया। जहां पर जवान बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहां पर बेटियों को असमत लूटी जा रही है। 15-15, 14-14 साल की बच्चियों को घर से निकाल कर उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। आज वहां पर जिस प्रकार का माहौल उत्पन्न हो गया है, उसकी निंदा करने की बजाय हिंदुस्तान के अंदर छुपे हुए कुछ तालिबानी वो आज तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, उसके अंदर शफीकुर रहमान और मुनव्वर राणा जैसे लोग हैं। मैं मुनव्वर राणा का बहुत सम्मान करता था। ओवैसी साहब तो चलो, वो तो मैं नालायक कहूँगा उसको, वो तो नालायक सांसद है इस देश का, उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। परंतु मुनव्वर राणा और शफीकुर रहमान जैसे लोग, समाजवादी सोच के लोग इस प्रकार की बात करें, मुझे दुख है। उनको तुरंत, इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा शफीकुर रहमान के खिलाफ हो चुका है और मुनव्वर राणा के खिलाफ भी मुकदमा कर्णी सेना दर्ज कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से और कर्णी सेना को मजबूत किया जाएगा सर? निश्चित तौर पर विधानसभा स्तर पर हम 400 विधानसभाओं में हम कर्णी सेना का गठन करेंगे। हमारा मकसद है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कर्णी सेना मजबूत हो। ये एक सामाजिक संगठन है, हम एक सामाजिक सोच के साथ चल रहे हैं। हाँ, हम हिंदू हैं और कट्टर हिंदू कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोग और धर्म के लोग अपने आप को कट्टर कहते हैं, परंतु हिंदू जो सॉफ्ट है, जो सबको, सभी धर्मों का सम्मान करता है। और अगली खबर